तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम जानेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के पहले आपको लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में आपको समझना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कैसे देखेंगे कि लाइट हमारी मेटल शीट पर आती है और गिरने के बाद फोटॉन्स उस पर पड़ते हैं मेटल शीट पर, और जैसे ही फोटॉन पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके वो निकल जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जब हमारी लाइट, मान लीजिए कोई मेटल शीट है, मान लिया ये कोई मेटल शीट है, मेटल शीट मान लिया। अब देखेंगे जैसे ही हमारी इंसिडेंट लाइट, ये कोई इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ती है, तो हम ऐसा देखते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं। जिस जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल शीट पर इंसिडेंट लाइट पड़ने के कारण इमिट हो जाते हैं वो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे इसमें भी बहुत सिंपल मेथड है कि मेटल शीट है, मान लीजिए कुछ ऐसा मेटल शीट है। अब यहां पर मान लीजिए रेड कलर की लाइट पड़ी आपकी, रेड कलर की, फिर मान लो ब्लू कलर की पड़ गई, ये हुआ रेड कलर की। जब रेड कलर की पड़ी तो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे। तो रेड कलर की जब इसमें लाइट पड़ती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, वहीं पर रह जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही और ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ी, मतलब वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी हमारी कम होती है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू हमारी कम आएगी। तो यहां पर रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। जब फ्रिक्वेंसी कम होगी, अभी हम आगे चल की चर्चा करेंगे, जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की आवश्यकता है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की आवश्यकता है, वो इंटेंसिटी ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं। अभी हम लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में पढ़ेंगे, उसमें अब बताएंगे। जैसे मान लो ये ब्लू कलर की लाइट हो गई, ब्लू कलर की लाइट जब पड़ी ऐसा, तो यहां से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर थे वो इमिट हो रहे थे। मान लो यहां पर आगे चल के ऐसे ऐसे वायलेट कलर की लाइट पड़ी, सबसे कम फ्रिक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ की, जिसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे हाई होता है। तो वायलेट कलर की जब लाइट पड़ेगी तो वायलेट कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है, क्योंकि वेवलेंथ कम होता है। जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो ये मेटल के सरफेस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इमिट कर जाएंगे, और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इमिट कर जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स ये इमिट कर जाएंगे वायलेट कलर की पड़ने के बाद। तो यहां से हम एक न्यू डिफिनेशन बता सकते हैं जो कि होगा हमारा वर्क फंक्शन। फिर डालेंगे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कि वर्क फंक्शन के बराबर ही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वर्क फंक्शन होता क्या है? द मिनिमम एनर्जी गिवन बाय द फोटॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन फोटॉन आ रहे हैं, यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, ये सब फोटॉन्स हैं छोटे छोटे कणों के रूप में, ये सभी फोटॉन्स के रूप में। हम जानते हैं जो लाइट होती है वो पार्टिकल के नेचर में भी होती है, जस्ट हमने अभी पहले पढ़ा था, आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं।
फोटॉन्स जब आते हैं तो मिनिमम एनर्जी फोटॉन के द्वारा दी जाती है जब इलेक्ट्रॉन की, कि वो मेटल के सरफेस को जस्ट तोड़ दें, इमिट नहीं हो पाए, वो हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है। अगर आप सिंपल सा समझेंगे, ये हमारा मेटल सीट है, मान लो यहाँ पर इसके सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से लाइट पड़ी, इसमें फोटॉन्स होंगे, फोटॉन आया इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया क्योंकि फोटॉन इससे टकराया, जब टकराया तो इन्होंने कुछ एनर्जी अपनी लॉस की, जितनी एनर्जी लॉस की तो वो इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर मिलेगी तो ऐसी मिनिमम एनर्जी जिसको पाने के बाद इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को तोड़ दे, इस मेटल सीट के सरफेस को तोड़ दे, वो हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है। तो मतलब यहां पर बताएंगे, द मिनिमम एनर्जी गिवन बाय फोटॉन ऑफ मेटल टू ब्रेक द मेटल सरफेस फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल नोन एज वर्क फंक्शन। ऐसी मिनिमम एनर्जी जो कि फोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी जाती है और जो कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाने के बाद इस सरफेस को तोड़ दे इमिट होने के लिए, वो हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन पाने के बाद इस सरफेस को तोड़ सकता है, वो हमारा वर्क फंक्शन कहलाएगा। और यहां पर आप लिख सकते हो, जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी हम आगे बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनों पर पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के, मेटल के सरफेस को तोड़ सकता है, वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो मतलब वर्क फंक्शन हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है। सो नोट डाउन करें, यहां तक फटाफट सब लोग नोट डाउन करेंगे। सो चलिए अब हम देख लेते हैं ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, क्योंकि ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ने के पश्चात ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा। सो इसको फटाफट से नोट डाउन करें। सो चलिए अब हम बात करते हैं ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का ला क्या है, ध्यान समझेंगे, एक एक ला के बारे में हम पढ़ाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, टोटल समझ में आएगा। सबसे पहला ला जो था वो क्या था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब यहां से बता सकते हैं न्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कभी कम नहीं होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी मेटल सीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए ऐसे कुछ, जब हमारी ये रेड कलर के फोटॉन्स, ध्यान से समझेंगे, रेड कलर के फोटॉन्स मान लो ये हैं रेड कलर के, जिनका वेवलेंथ हाई होता है, ये पढ़ते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए लेमडा की वैल्यू इनकी ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी इनकी कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो ये इमिट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन इनकी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, इनकी फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर, इनकी एनर्जी को ग्रहण करता है, तो इनके अंदर एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की, इनके अंदर इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि ये इस सरफेस को तोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें और एनर्जी की जरूरत होगी तब ये बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इनको जब इलेक्ट्रॉनों को, जैसे ये सरफेस पर आई लाइट फोटॉन्स गिरे तो एक फोटॉन की एनर्जी केवल एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसा नहीं है दो फोटॉन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। ये केवल बहुत रेयर केस, जैसे 1,12,000 अगर फोटॉन गिरा तब जाकर कहीं ऐसा एक केस होगा जिसमें दो फोटॉनों की ऊर्जा आपको एक इलेक्ट्रॉन में मिलेगी, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि दो फोटॉनों की ऊर्जा आपको एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर पाएगा, बहुत रेयर केस होता है ऐसा, तो एक प्रकार से मान लिया जाए कि इम्पॉसिबल।
एक फोटॉन की ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकता है। तो एक फोटॉन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया, तो इसको तोड़कर मेटल को सरफेस को तोड़कर निकलने के लिए और ऊर्जा चाहिए, सिर्फ ये तोड़ सकता है। तो ये हुई न्यू की वैल्यू। अगर हम यहीं पर बात कर लें ब्लू लाइट की, मान लो ये हमारी ब्लू लाइट की, अब यहां से ये जब पड़ा इस सरफेस पर, तो यहां पर सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को ये इमिट कर देगा। अगर हम ये मान लो ब्लू लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेड की अपेक्षा ज्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, फिर हम बात करें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले लाइट की, ये मान लो आ गया आपका वायलेट, वायलेट कलर का, तो ये तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन हुए उसको तो आसानी से इमिट कर देगा। उसके बाद इसके पास इतनी फ्रिक्वेंसी है कि और फोटॉन्स हैं, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इमिट कर गया, और फोटॉन्स गिरे, मतलब इसके पास फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो ये अन्य इलेक्ट्रॉन को भी इमिट कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम यहां पर बताएंगे जो इंसिडेंट रेडिएशन होनी चाहिए, मतलब ऐसी रेडिएशन जहां पर जो पड़ने पर मेटल शीट पर वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे, वो सरफेस को तोड़ सकते हैं, तो वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी, या तो उससे अधिक होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को मिलने पर वो सरफेस को तोड़ सकते। दूसरा नियम देखेंगे, दूसरा नियम में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट हो रहे हैं फोटॉन पाने के बाद, फोटॉन की एनर्जी पाने के बाद, तो लिखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करेगी? फोटॉनों की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी? इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन ठीक, वो फोटॉनों की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अब इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में क्या अंतर है? जैसे देख लो, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे। मतलब ये कहा जा रहा है यहां पर, जैसे ये कोई मेटल शीट है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, ठीक, अगर हम रेड कलर की लाइट को इस पे गिरा रहे हैं तो इसका फ्रिक्वेंसी जो होता है कम होता है रेड कलर की लाइट की, ये मान लो रेड कलर की लाइट है, तो इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ा दें तो ज्यादा फोटॉन्स हो जाएंगे, मतलब मोर इंटेंसिटी का मतलब है मोर फोटॉन, ज्यादा इंटेंसिटी होगी ज्यादा फोटॉन्स होंगे, ना कि उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें मोर फ्रिक्वेंसी की तो यहां पर मोर एनर्जी होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझना इसके बारे में ध्यान से, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मोर फोटॉन्स होंगे, फोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, मतलब अगर हम रेड लाइट को गिरा रहे हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा था जैसा कि हमने अभी भी देखा। अगर मान लो हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, मतलब इनकी संख्या को बढ़ा दें, फोटॉनों की संख्या बढ़ा दें, तो क्या ये इमिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ ओनली वन फोटॉन, लिख लेंगे नोट में,
नोट में लिखेंगे, वन फोट वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ ओनली वन फोटॉन जनरली। ठीक, कि एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकता है एनर्जी को, सिर्फ एक फोटॉन की एनर्जी को। तो एक फोटॉन की एनर्जी पड़ी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए उसकी संख्या ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं, उसकी एनर्जी ज्यादा पाने की आवश्यकता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी तो वही एक फोटॉन की फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों को वो इमिट कर सकता है, 10 फोटॉन भी उसको मिल करके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 10 फोटॉनों की एनर्जी नहीं लेगा, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटॉन की एनर्जी ले। ध्यान से समझिएगा इसको, कि चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको तो सिर्फ एक फोटॉन से मतलब है। अगर फोटॉनों की एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो सरफेस को तोड़ के जा सकता है। अगर उसकी संख्या ज्यादा है तो उससे उससे मतलब ही नहीं, उसकी अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ग्रहण कर सकता है। तो यहां से हम बताएंगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो होगी वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी फोटॉनों की, बट इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन मतलब समझ पा रहे हैं ना, इमिशन मतलब उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट एज सुन एज रेडिएशन फॉल ऑन द मेटल सरफेस। मतलब जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा, मतलब उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉनों का, वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही रेडिएशन उस पर गिरती है, क्योंकि रेडिएशन गिरी इलेक्ट्रॉनों पर, एनर्जी चाहिए वो सरफेस को तोड़ने के लिए, और ज्यादा अगर एनर्जी वो दे रहा है, और ज्यादा इतनी एनर्जी दे दिया कि वो सरफेस तोड़कर बाहर चला जाए, मतलब एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन फोटॉनों से, लेने के बाद वो सरफेस तोड़ के तुरंत जाने लगता है। थर्ड वाला क्या कहता है, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट एज सून एज रेडिएशन फॉल ऑन द मेटल सरफेस। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हमारा उस मेटल पर हमारे रेडिएशन पड़ते हैं, मतलब रेडिएशन पड़ी तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना स्टार्ट कर दिए गए। इलेक्ट्रॉन वही पहले उत्सर्जित होंगे जो कि हमारे सरफेस पर होंगे। इसको अगर समझेंगे, मतलब ये हमारी मेटल सीट हुई, इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन। मान लो अगर रेडिएशन पड़ी पहले, अगर ये उत्सर्जित हुए तो ये कम एनर्जी लेकर ही उत्सर्जित होता जाएंगे। मतलब ये ध्यान देंगे, यहाँ पर लाइट पड़ी, मतलब फोटॉन्स आए, एक फोटॉन की टोटल एनर्जी ले लिया, देखना ध्यान से, मतलब ये अगर लाइट आ रही है तो वही मान लो ये वायलेट कलर की लाइट है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो एक फोटॉन की एनर्जी, देखो यहां पर जितने फोटॉन्स होंगे सबकी एनर्जी बराबर होगी, एक फोटॉन की एनर्जी ये लिया तो इसको ये सरफेस तोड़ने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसके लिए जो एनर्जी होगी ये ज्यादा होगी। अब दूसरा वाला फोटॉन इसको मिलेगा, उससे नीचे है तो इसको उतनी एनर्जी मिली जितना इसको मिली थी, तो इसको ये पहले सभी सरफेस को तोड़ते हुए ज्यादा एनर्जी खर्च कर देनी पड़ेगी, इसलिए ये एनर्जी इसकी लो होगी। अब अगर सबसे लास्ट वाले की बात करें, इधर भी तीसरे फोटॉन की एनर्जी मिलेगी, मतलब एनर्जी बराबर बराबर मिल रही है, तो इनको तोड़ने में, इसको बाहर निकलने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी देनी पड़ेगी, और बाहर निकलते निकलते इनके पास बहुत कम एनर्जी बची रहेगी, इसलिए इनकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी वेरी लो, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी आती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा प्लस में
पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, स्थिति ऊर्जा, रेस्ट एनर्जी बोलना चाहें तो रेस्ट एनर्जी भी लिख सकते हैं हम, रेस्ट एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट एनर्जी हमारा क्या होगा? रेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी? एच न्यू नॉट। ठीक, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होगा, मतलब वेलोसिटी इसमें ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी वी मैक्स स्क्वायर प्लस में एच न्यू नॉट, ये टोटल एनर्जी जो हमारा निकलेगा दैट इज एच न्यू, मतलब एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस में एच न्यू नॉट। जहां पर यम क्या होगा? यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर यम ई इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वी मैक्स ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इक्वेशन कहलाएगी, लिख लेंगे यहां पर, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमारा आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन था। सो नोट डाउन करें फटाफट। अब हम चलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अब हमको क्लियर समझ में आ जाएगा, इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। सो चलिए अब हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि 1902 में फिलिप लिनार्ड ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। 1902 में, मतलब 1902 में फिलिप लिनार्ड ने इस इफेक्ट को बताया था, जो कि हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट हमने क्या लिया था, ध्यान से समझेंगे, कोई ग्लास ट्यूब थी, मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब लिया था, एक ग्लास ट्यूब लिया था जो कि फुल्ली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी, मतलब इसके अंदर कोई भी एयर नहीं थी। अब देखेंगे यहां पर हमने एक मेटल सीट लगा दी थी, एक मेटल सीट लगा दी थी, मान लिया इस मेटल सीट का नाम कैपिटल ए हमने रख दिया, कैपिटल ए, और एक दूसरा मेटल सीट यूज किया जो कि कैपिटल बी। मैंने दो यहां पर लिया गया कि एक मेटल सीट ए, दूसरा मेटल सीट बी है। अब इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, अब यहां पर एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, और क्यों रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब इस सिरे को हमने क्या किया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, इस सिरे को यहां पर टच कराया गया, यहां पर एक ए मीटर लगा था, यहां पर कोई ए मीटर लगा था जो कि हमारे करंट को मेजर करता था, और यहां पर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया था जो कि पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करेगा इन दोनों प्लेटों के बीच। अब ध्यान से समझेंगे इसका वर्किंग क्या क्या है, वर्किंग समझेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर हमने रफली मान लिया कि इसका इसकी वैल्यू मान लो 12 वोल्ट है, हमने मान लिया रफली कि अगर इसका वैल्यू 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो अगर हम 12 वोल्ट को डिवाइड करें तो ये प्लस 6 वोल्ट में और माइनस 6 वोल्ट में डिवाइड होगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट है, प्लस 6 टू माइनस 6 जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना मिलेगा, 12 वोल्ट, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 वोल्ट दिया गया, तो यहां पर प्लस 6 वोल्ट और यहां पर माइनस 6 वोल्ट होगा, समझ में आया। अगर हम यहां पर प्लस 6 वोल्ट दिए हैं तो इस पर कितना आएगा, प्लस 6 वोल्ट का पोटेंशियल होगा,
जब हमारा ये पॉइंट इधर ज्वाइंट किया गया होगा, रजिस्टर होगा, क्योंकि जब ये करंट हमारा इस प्रकार से जाएगा तो इधर जाने के बाद आगे प्रवेश नहीं कर सकते, ये आगे चल के हमारा इस प्लेट पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट को इस सिरे से लाकर जोड़ दें तो क्या होगा, तो यही 6 वोल्ट जाकर इस पॉइंट से होते हुए ये ए मीटर से होते हुए इस पर भी +6 वोल्ट ही बना लेगा। दोनों पर देख रहे हैं जो हमारा पोटेंशियल है वो इक्वल है, तब यहां पर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा था, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो था तो हमने यहां पर किया क्या, हमने यहां पर इसको पॉइंट को इस जगह पर जोड़ा ताकि इसकी वैल्यू कुछ निगेटिव में मिले। अब निगेटिव वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब कुछ निगेटिव में आएगा, -6 वोल्ट नहीं, वो माइनस में है तो मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू माइनस में कुछ है। ठीक, अब यहां पर हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए आपको लाइट को पार्टिकल फॉर्म में मानना पड़ेगा, वो एनर्जी पैकेट के रूप में चलती है, फोटॉन के रूप में। आप यहां पर एक प्रकार से लाइट को पार्टिकल नेचर में शो करते हो, तो ये जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को पार्टिकल के नेचर में शो करोगे। मान लीजिए ये पैकेट्स के रूप में आ रही हैं, इस पॉइंट पर, इस मेटल प्लेट पर जैसे ही गिरा, मान लो ये रेड कलर की है, रेड कलर की लाइट जब इस पर पड़ती है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इसके प्लेट पर होंगे उसे उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे, उसे वो इमिट नहीं कर पाएंगे। जब इमिट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट को इस पर गुजारेंगे, मतलब रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। हमने क्या किया, एक येलो कलर की लाइट को गुजारा, हमने एक येलो कलर के लाइट को यहां पर गुजारा, हमने देखा ये लाइट थी हमारी येलो कलर की। जब येलो कलर की लाइट इसमें पड़ी तो ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ था ये हमें दिखने लगा कि ये अपने स्थान से छोड़ के इमिट हो रहा है, अपने स्थान से छोड़ के इमिट हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी की लाइट जिस पर इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को तोड़ करके उत्सर्जित होने लगे वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाएगा, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। हमने अभी आपको बताया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो कि हमारा वर्क फंक्शन के बराबर होगा, कि मतलब ऐसी मिनिमम एनर्जी आप फोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस के तोड़ने के पर, जो कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सकता है कि वो अपने सरफेस को तोड़ करके जस्ट इमिट हो जाए तुरंत, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो बहुत स्पीड से मूव करेगा, मतलब वो इतनी एनर्जी दे सकता है, ऐसी मिनिमम एनर्जी जो कि उसके सरफेस को तोड़ दे, सरफेस को ब्रेक करके वो इमिट हो सके, वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और यही हमारा वर्क फंक्शन फाई के बराबर होता है, जिसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट से। ठीक, क्लियर हुआ। अब हमने देखा कि एलो के बाद जब हमने इस पर से कुछ ब्लू कलर की लाइट को गुजारा जिसकी फ्रिक्वेंसी और ज्यादा होती है, कुछ स्काई ब्लू कलर की जिसकी फ्रिक्वेंसी और ज्यादा थी, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस पर है उसको तो इमिट कर रहा है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर उसको भी इमिट कर दे रहा था, उसको भी इमिट कर दे रहा था। और हमें ऐसा पता चला कि जब हम येलो कलर की लाइट को गुजारे थे तो इसमें कुछ चेंजेस हो रहे थे, मतलब इसकी जो एमीटर की जो सुई थी वो चेंज हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था इसमें। जब डिफ्लेक्शन मालूम होने लगे तो हम जानते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। जब हमने स्काई ब्लू कलर के दिखाए तो डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर जब हमने यहां पर कुछ वायलेट कलर की लाइट को गुजारा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है सातों कलर के लाइट में, वायलेट कलर की,
तो यहां से हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी इलेक्ट्रॉन इस पे इमिट हो जा रहे थे, मतलब चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे वो सरफेस के जस्ट बाहर, चाहे सरफेस पर हो या फिर वो सरफेस के अंदर हो, वो इमिट हो रहे थे, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। जब आपने वायलेट कलर की लाइट को गुजारा तो यहां पर जो ये सरफेस पर होंगे, मतलब इसको हम और एक्सप्लेन में बना दें तो ये प्लेट ए हुई हमारी, ए प्लेट है, इस पर जब फोटॉन्स पड़े तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इमिट होंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इमिट होंगे, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इमिट होंगे। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सरफेस पर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो निगेटिव तक पहुंच पाएंगे, हिट कर जाएंगे, ज्यादा एनर्जी से हिट करेंगे। वैसे हिट तो सभी करेंगे, हिट सभी करेंगे, लेकिन एनर्जी चेंज होगी। यहां पर देख पा रहे हैं इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, और इसकी एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले और उस दीवार पर बी प्लेट बी मेटल सीट पर टकराए लेकिन ज्यादा एनर्जी से, और बाद में जो सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि सरफेस पर होंगे तो सरफेस को तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी और उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सरफेस के अंदर होंगे तो सरफेस को तोड़ने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी उनके पास, तो कम एनर्जी से टकराएंगे। फिर हमने क्या किया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा और मिड पॉइंट पर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और मिड पॉइंट पर। तो हमने क्या किया, जब इस मिड पॉइंट पर किया तो हमने ये पाया कि लगभग जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे तो जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी का था वो यहां तक पहुंच पा रहा था इलेक्ट्रॉन, जो कम फ्रिक्वेंसी का था वो यहीं पर खत्म, जो कम एनर्जी का था और जो कम एनर्जी का उससे भी कम एनर्जी का था वो यहीं पर पकड़ के खत्म हो जा रहा था, मतलब यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इधर ज्वाइंट कर दिया, और इधर ज्वाइंट कर दिया, मतलब क्यों, क्योंकि ये जो प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स वोल्ट के इधर जाएंगे तो इधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पर इनकी अपेक्षा यहां पर पोटेंशियल कम होगा, मतलब इनका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा इनका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट यहां पर जाने लगेगा। हमने यहां पर देखा कि जब हमने यहां पर पॉइंट को जोड़ा तो इसकी निगेटिव वैल्यू हाई हो गई, निगेटिव वैल्यू जो होगी वो और हाई हो गई, जैसे ही निगेटिव वैल्यू हाई हुई इसकी, निगेटिव वैल्यू हाई होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है, जब निगेटिव वैल्यू हाई है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, मतलब हमारे पास मत आओ। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी थी वो तो यहां तक पहुंचते पहुंचते यहां पर आकर के रुक गया इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू बहुत 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 नजदीक कर दी क्लोज टू निगेटिव पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, जब ज्यादा हो गई तो क्या करेगा, इसको रोकेगा इलेक्ट्रॉन को आने में, मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंचते पहुंचते रह गया, जस्ट पहुंचने ही वाला था कि वो उस पर रिपेल कर गया, जस्ट पहुंचने वाला था जो सबसे ज्यादा एनर्जी का था, और बाकी इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिखेंगे इसमें द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिगार्डिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन इमिशन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ऐसा पोटेंशियल जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट तक पहुंचने में रुकावट बने, मतलब जस्ट पहुंचते पहुंचते रुक जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब ऐसा पोटेंशियल जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से पहुंचने पर थोड़ा सा रह जाए, मतलब पहुंचते ही रोक दे, मतलब न पहुंच पाए, वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। अब अगर हम बात करें यहां पर कि यहां पर जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये सभी को पता है, प्लस में रेस्ट एनर्जी, ठीक, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी क्या जानते हैं, एच न्यू, टोटल एनर्जी हमारी होती है एच न्यू। किसी फोटॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू। तो टोटल एनर्जी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू एच न्यू। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, जैसे हमने अभी भी देखा, प्लस में रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी क्या होगी हमारी, अब देखो क्यों ये ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी ली जाएगी, देखना। जब हमारे ये फोटॉन्स इस पे पड़े, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, पहले तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा लेगा इस सरफेस को तोड़ने के लिए, दैट इज रेस्ट एनर्जी। तब इसको जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसको कुछ एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे ब्रेक करेगा तो इसको जाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, जो कि हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी, तो इसको एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी, वो रेस्ट एनर्जी होगी इस सरफेस को तोड़ने के लिए, क्योंकि सरफेस में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एच न्यू नॉट। सरफेस को तोड़ने में जो फ्रिक्वेंसी वो लेता है, जितनी एनर्जी लेता है, वो हमारी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो वैसे एच इंटू न्यू नॉट वो हमारी रेस्ट एनर्जी होगी। समझ में आया भाई, देखो ये फ्रिक्वेंसी आई इस इलेक्ट्रॉन को, जस्ट जैसे ही वो तोड़ देते हैं तो वही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये जस्ट इसको तोड़ने में जो ऊर्जा ले रही है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो एच न्यू नॉट होगा। और इधर से हम अगर करें एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इक्वल टू में हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, एच हमारा कॉमन होगा, क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, और जो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब ई कैपिटल वी नॉट के, यहां पर लिखेंगे वेयर वेयर कैपिटल वी नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट क्या, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं किस स्टॉपिंग पोटेंशियल से, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोक रहा है यहां तक पहुंचने में, तो इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम वैल्यू यदि निकालेंगे तो एच इक्वल टू हमारा निकलेगा ई वी नॉट अपान में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये रहा हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसका महत्व तो क्या है, तो बताएंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज वहां पर होता है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, फोटोइलेक्ट्रिक सेल के बनाने के रूप में इसका प्रयोग होता है, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल के रूप में होता है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द फोटोइलेक्ट्रिक सेल आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड, और इसका वेरियस भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भी इसका बहुत यूज है। मतलब इसका यूज क्यों किया गया, क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बनाया गया, अगर आपको सिंपल सा समझना है तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। मतलब इस लाइट इस पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचने के बाद ऐसे मूव करने लगते, तो मतलब लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट की दिशा में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक हमारी राइट से लेफ्ट की दिशा में जनरेट होती है। तो ये क्या किया, लाइट से इलेक्ट्रिक को हमारा
प्रोड्यूस करता है, मतलब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है फोटोइलेक्ट्रिक सेल को बनाता है जो कि लाइट एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। और भी बहुत से इसके इंपॉर्टेंट्स हैं, सो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको नोट्स पानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है यूनियन क्लासेस की, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च कर लेंगे @यूनियन क्लास, आपको कंप्लीट नोट्स की PDF और बुक की भी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।